सर्वत्र शांति और संयम का संदेश प्रसारित करने वाले शाक्य मुनि भगवान बुद्ध को नमन। इस विश्व की प्रगति और कल्याण बुद्ध के द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर ही संभव है। बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, मानव धर्म के प्रणेता परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज जी कहते हैं, जो धर्म के रहस्य को जान जाता है वह अपने लिए व समाज के लिए, देश ही नहीं बल्कि मानव मात्र के लिए सहायक सिद्ध होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अपना कल्याण करता है। धर्म ये नहीं सिखाता है कि तुम संसार को त्याग दो, कल्याण की भावना को तिलांजलि दे दो। नहीं, अगर संसार को त्यागने की बात होती या संसार से साधु बनने की बात होती तो श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को युद्ध करने को कभी नहीं कहते। श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को कर्मयोगी बनाया। जहां अर्जुन युद्ध छोड़कर भाग रहा था, जहां पर अर्जुन याचक बन गया था कि महाराज मैं भीख मांग कर अपना पालन पोषण कर लूंगा, पर इस रक्त रंजित राज्य का मैं लेश मात्र भी उपभोग करना नहीं चाहता। मैं इस भयंकर युद्ध को नहीं करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाया कि तेरा कर्म क्या है। अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं समझ पाया कि क्षत्रिय का क्या धर्म है, और भगवान ने उसे आत्मज्ञान दिया तथा इस अध्यात्म से, उस आत्मबोध से अर्जुन के हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हृदय परिवर्तित हुआ। तब वही अर्जुन जिसने गांडीव त्याग दिया था, गांडीव को उठाकर लड़ाई के लिए तैयार हो गया। इसी प्रकार जितने भी हमारे महान पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म ज्ञान से राम नाम के जरिए समाज में परिवर्तन किया। मन मंदिर तन भेष कलंदर, घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुरी जन्म नहीं आवा। सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज मानव धर्म में कहते हैं कि जहाँ जहाँ महापुरुषों के चरण पड़े उन स्थानों की हम पूजा करते हैं, परंतु प्रश्न यह है कि महान पुरुषों ने अपना महान बनने के लिए कौन सा साधन किया। वे तो अपने ही अंदर गए, अपने अंदर को उन्होंने जगाया। वे आगे हुए पुरुष थे। जहाँ जहाँ महापुरुषों के चरण पड़े उन स्थानों की हम लोग पूजा करते हैं, परंतु प्रश्न यह है कि महान पुरुषों ने अपने महान बनने के लिए कौन सा साधन किया। वे तो अपने ही अंदर गए, अपने अंदर को उन्होंने जगाया। वे जागे हुए पुरुष थे, इसलिए सोई हुई दुनिया को भी जगाया। अब आप कहोगे कि तुम जागे हुए हैं, हम कोई सोए पड़े ही रहे हैं। सवाल यह है कि जागना क्या होता है। जो आदमी जगा होता है उसका मतलब कि आप संसार को देख रहे हैं, आप बहुत सी चीजों का अनुभव कर रहे हैं। पर अंदर का जागना क्या होता है? अंदर की चीजों का अनुभव करना, जो अंदर की शक्ति है उसका अनुभव करना। जिसने अंदर की शक्ति का अनुभव नहीं किया है वह अंदर से नहीं जागा है। भले ही वह बाहर का चौकीदार ही ना हो, क्यों ना हो, रात भर जागना क्यों ना रहे, पर जो अंदर से नहीं जागा वह कहीं से भी नहीं जागा। इसलिए अंदर से जागने का महत्व हमारे संतों ने दर्शाया और उन्होंने इसी का प्रचार किया।